हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, तो क्या है वो बातें जो उन्हें याद आ रही है और किन बातों की वजह से वो इतना ज्यादा सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये होगा 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये होगा 10। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, पहला ही कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन शायद आपसे बहुत सारी बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद उनके सामने के जो हालात है, जैसे यहाँ पे घने बादल छाए हुए हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, वैसे ही शायद ये अपने दिल की बातें आपसे शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी बातों की वजह से इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही। इस वजह से वो अपनी बातें अपने ही दिल तक रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये बातें उनके दिल को ही चोट पहुंचा रही है। जैसे एक हेवी बर्डन कहते हैं ना हम, दिल पे एक बोझ, जैसे इस पर्सन ने बहुत बोझ उठा के रखा है, ये हाथ में उठा के चल रहा है, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है ये सब उठा के चलने की। ये जैसे यहाँ पे 2 शॉर्ट्स पीछे की तरफ रखी है, वैसे भी ये शॉर्ट्स वो नीचे डाल सकता है, लेकिन ये पर्सन अपने ऊपर बोझ ले रहा है, बर्डन के साथ ही उस बात को रिजेक्ट करके, यानी कि कम्युनिकेशन को रिजेक्ट करते वो वापस जा रहा है, अपनी बात अपने तक ही रख रहा है। तो शायद ये पर्सन आपकी बातें बहुत पसंद करते थे, मतलब जब भी आप दोनों बात करते थे तो शायद इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता था आपकी जुबान से वो सब बातें सुनना, क्योंकि उन्हें शायद कुछ क्लैरिटी भी मिलती थी, और राइट नाउ उन्हें वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि उन्हें करना क्या चाहिए। नेक्स्ट है डेथ। तो डेथ का कार्ड जब भी होता है, ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो आप दोनों के बीच में अगर कुछ बात को लेके एंडिंग्स हुई थी, तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये सामने से सरेंडर करे। जैसे यहाँ पे इस फ्लैग पे ये वाइट फ्लावर है, तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में तो सोचते हैं, मतलब शायद ये बात भी आपको कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेट्स टेक अ न्यू स्टार्ट। लेकिन ये भी कैसे कहे, इसके बारे में भी सोचते वक्त उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट है पेज ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये वैन हाथ में लेके ये पेज किसी को पुकार रहा है, वैसे ही आपका पर्सन आपको दिल से पुकारता रहता है। कई बार आपको अचानक से महसूस होता होगा कि वो भी आपको मिस कर रहे हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये सच्चे दिल से आपको याद करते हैं। तो उन्हें भी पता है कि उनके दिल में आपके लिए जज्बात है, लेकिन अगर आप मान लीजिए ये सब इन पहाड़ियों के यहाँ से पीछे की तरफ से अगर किसी को आवाज़ दे रहा है और आप पहाड़ी के उस पार है, तो वहाँ तक तो आवाज़ रीच आउट नहीं होगी, क्योंकि दूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं और ये दूरियाँ इस पर्सन को सताती है, और ये दूरियाँ अगर कम करनी है तो उन्हें एक्शन लेनी पड़ेगी, यानी कि आगे बढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको बताना भी पड़ेगा कि उनके दिल के जज्बात क्या है। लेकिन ये नहीं हो पा रहा, ये पर्सन यहाँ पर ही बैठ के आपको आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है, और ये उनके दिल की पुकार है जो उन्हें भी समझ में आती है कि उनका दिल भी आपको मिस करता रहता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो या तो आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है टॉरस या फिर लियो या फिर वर्गो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप उनकी दुनिया के सेंटर स्टेज पे हैं, यानी कि उनकी दुनिया में भले ही कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, आपका जो उनके दुनिया में एक जगह है, वहाँ से वो आपको कभी नहीं दूर करते। मतलब भले ही आपसे बातचीत हो ना हो,
लेकिन इनके दिल के सेंटर स्टेज पे शायद इन्होंने आज भी आपको सेव करके रखा है। और जब भी शायद इन्हें थोड़ी भी फुर्सत मिलती है, यानी कि पल भर को अगर कोई थक के भी रेस्ट करने के लिए बैठता भी है, तो भी इनको याद आती है आपकी बातें। शायद आपने इनको बहुत समझाया होगा जिंदगी के बारे में, सिचुएशन के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शायद आपने अपने दिल के जज्बात भी कई बार इस पर्सन के साथ शेयर किए हैं कि आप हालात को कैसे हैंडल कर सकती है या कर सकते हैं, या फिर किस तरह से उनका साथ देना चाहते हैं, तो वो भी बातें इनको याद आती है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तीन लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन हो, लेकिन शायद मे बी कोई इनका दोस्त हो सकता है जो इनके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है उनका कोई मेल फ्रेंड उनके दिल में जगह बनाने के लिए उनसे कम्युनिकेट कर रहा है। दिखाने के तौर पे तो ये दिखा रहा है कि आई एम योर फ्रेंड, लेकिन ये उसके दिल में शायद मोर देन फ्रेंड उनके लिए कुछ जज्बात है। और ये बात शायद आपके पर्सन भी थोड़ा समझ रहे हैं, मतलब अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कोई फीमेल फ्रेंड उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है आप उनको ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, या फिर मैं तुम्हें बेटर तरीके से समझ पाती हूँ, आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड। इस तरह से शायद उन्हें कुछ एहसास दिलाया जा रहा है। लेकिन ये जब भी उस पर्सन से बात करते हैं, तो उन्हें आपकी बातें मतलब सुनते तो उनकी बात है, लेकिन उनका जो दिल है वो आपके बातों में खोया रहता है। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। नेक दिल, तो उन्हें पता है कि आप एक नेक दिल इंसान है, यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन को आपके दिल के ऊपर बहुत भरोसा है। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, और शायद आपने उनको जो भी अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, या फिर अपने दिल के जज्बातों के बारे में बताया, उन्हें पता है कि वो अपने सच्चे दिल से ही उनसे कहा है कर दिखाना। तो शायद कई बार इस पर्सन ने हौसला थोड़ा हारा है, या फिर सिचुएशन को लेके इन्होंने शायद पास्ट में भी कुछ सरेंडर करने के बारे में सोचा था, लेकिन आपने शायद अपनी बातों से उन्हें ये हमेशा एहसास दिलाने की कोशिश की है कि तुम्हें हिम्मत है, तुम कर दिखा सकते हो, या फिर तुम कर दिखाओगे, मुझे पूरा यकीन है। इस तरह की शायद आपने उन्हें जो भी मोटिवेशन वाली बातें बताई है, वो बातें उन्हें याद आती है जब भी वो हालात के सामने सरेंडर करने के बारे में सोचते हैं, इंतज़ार करने वाला। तो उन्हें ये भी पता है कि आप इंतज़ार करने वाले पर्सन हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि टाइम लिमिट दिया, अब तक तुम आए तो ठीक, नहीं तो ठीक है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपका प्यार बेस नहीं है। आपने अगर डिसाइड किया है कि आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार करेंगे, तो आप आखिरी पल तक इसका इंतज़ार करने वाले हैं, ना कि ज़िंदगी में मूव ऑन होने के लिए इस पर्सन को कोई टाइम लिमिट्स देने वाले हैं। तो ये बात भी उन्हें याद आती है कि आफ्टर ऑल आप उनके लिए इंतज़ार करने वाले हैं, ये जानते हुए ये पर्सन अभी भी शायद कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जादू, शायद आपने उन्हें ये भी समझाया है कि मिरेकल्स होते रहते हैं, यानी कि दुनिया में जैसे हम कहते हैं कि मैजिक तो कुछ ऐसा ट्रिगर होता है, मतलब ये फेक होता है, लेकिन जब कहते हैं ना कि कुछ बारे में हमने डिसाइड नहीं किया होता और अचानक दे सरप्राइजिंगली कुछ बातें सडनली हैपन हो जाती है ज़िंदगी में, तो ये सिर्फ जादू होता है। और ये कभी कभार ऊपर वाले के ऊपर भी डिपेंड होता है, कई बार हमारे किस्मत के ऊपर भी होता है, कई बार हमें जो हमारे प्यार करने वाले होते हैं वो हमारे लिए जो ब्लेसिंग देते हैं, उसकी वजह से भी ये जादू हैपन होता है। तो ऐसे ही शायद आपने कई बार उन्हें एहसास कराया है कि मैजिक पे भी यकीन रखो, अगर लगता है कि हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो भी पता नहीं कहीं से भी मैजिक हो सकता है, और अचानक से हालात बद से मतलब अगर आपको लग रहा है कि बदतर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको हालात अच्छे होते हुए भी नज़र आ सकते हैं, बस यकीन करना ज़रूरी है कि इट विल हैपन। विधि कायदा विधान, तो शायद आपने उन्हें ये भी एहसास कराया है कि हर बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ बातें किस्मत के लिए मतलब पहले से लिखी हुई होती हैं, और इसके लिए हम अपना दिमाग कितना भी चलाए या फिर कितना भी रोए तड़पे, उससे क्यों कुछ भी नहीं होता। कुछ बातें विधि लिखित होती है, वैसे ही हो जाती है, बुरा लगता है, लेकिन आफ्टर ऑल हमें ये भी यकीन रखना पड़ता है कि सब कुछ हमारे बस में नहीं होता। और शायद जब भी ये पर्सन अपने आप को दोष देने लगते हैं कि मेरी गलती थी, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मेरी वजह से ये हुआ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, या इस तरह के कुछ भी निगेटिव थाट्स उनके माइंड में आते हैं, तो शायद आपने उन्हें समझाया था या समझाने की कोशिश की थी कि मे बी ये किस्मत में लिखा था छुपा, तो शायद ये पर्सन आपसे
थोड़ी सी कुछ बातें अभी भी छुपा रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि जैसा वो छुपा रहे हैं कुछ, मतलब अगर अभी राइट नाउ उन्हें बात करनी है लेकिन वो बात नहीं कर रहे, अपने जज्बात छुपा रहे, वैसा आपने अभी तक उनके साथ कुछ भी नहीं किया। आपने अपने दिल में जो भी आया सच्चे दिल से उनसे कहा, और ये छुपाना, ये हाइड एंड सीक करना, ये आपके नेचर में भी नहीं है। और शायद आपने भी इस पर्सन को कई बार ये बताया है कि मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, तुम्हें कुछ भी बात शेयर करनी है तो मुझे बताओ, मैं समझने की कोशिश करूँगा या करूँगी। एहसास, आपके प्यार ने हमेशा इन्हें एहसास कराया है कि अच्छी लाइफ जी जा सकती है अगर दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो। तो शायद कई सारी आपकी बातें हैं जिनकी वजह से इन्हें ज़िंदगी के भी छोटे से पल के बारे में भी कई सारे एहसास आपने महसूस करवा दिए हैं, खुद को सजा। तो हो सकता है आपको ये भी कई बार महसूस हुआ होगा कि आपके पर्सन कई बार हालात से अकेले ही जूझते रहते हैं, यानी कि खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। तो शायद आपने उन्हें बातों बातों में ये भी कहा होगा कि खुद को सजा मत दो, कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती, जो होना है वो हो ही जाता है। मतलब अगर हम बार बार खुद को ही ब्लेम करते रहे तो ये सजा देने से कम नहीं होता। वो ब्लेमिंग की एनर्जी हमें थोड़ा भी हैप्पीनेस महसूस नहीं करवाती, और ये शायद आपने महसूस किया हो सकता है, और आपने अपने पर्सन को समझाने की भी कोशिश की हो सकती है कि ऐसे तो खुद को सजा मत दो, यूँ तो अकेलेपन में मत रहो, लोनलीनेस से बाहर निकलो। महसूस होना तो आपकी कमी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपने प्यार तो किया ही है इस पर्सन से, लेकिन जो समझाने की आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप दोनों सिर्फ एक साथ आ जाएं और इस रिश्ते में आगे बढ़े, ये नहीं, लेकिन इन रियल जो भी उसके हालात है या फिर जो भी सिचुएशन, उसको देखते हुए आपने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश की, और ये उन्हें महसूस होता है, अंदाज़ा लगाना। तो आज भी वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आखिर करना क्या चाहिए, लेकिन आपके बगैर एक अधूरापन महसूस होने की वजह से उनका शायद हर बार ये अंदाज़ा जो लगाते हैं वो चूक जाता है, जिसकी वजह से शायद वो और भी ज़्यादा फंस जाते हैं, और उन्हें महसूस होता है कि आज अगर इस हालत में वो आपकी कोई बात सुनते या फिर आपके साथ कुछ डिस्कशन करते तो शायद ये अंदाज़ा उनका सही हो जाता। तो ये था जनरल रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।